नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट हरि भाटिया जी। आप सभी के बीच में हम मंडी से एकदम बिल्कुल लाइव एक्सक्लूसिव है। मंडी उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलने की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कि आखिरकार क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लोगों की बातचीत है। अभी फिलहाल हम यहां से गुजर ही रहे थे तो हमें श्री जगत राम शर्मा जी जो है वो यहाँ पर मिले, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है हिमाचल प्रदेश इंटक के। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये इन बाय इलेक्शंस को किस तरह से देखते हैं, और काफी उम्र दराज है तो इनके एक्सपीरियंसेस आजादी के पहले के भी रहे होंगे। बहुत सी बातें आपसे करनी है। जगत राम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले आपका ये धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी उम्र देखकर ये कहा कि आज़ादी के पहले से एक्सपीरियंस भी लेंगे। मैं इसके लिए और गौरव महसूस करता हूँ कि आप जैसे जो नौजवान पत्रकार है, अगर नए युग को और पुराने युग को देखेंगे तो लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक ये चुनाव की बात है, ये चुनाव समय देश के लिए बहुत महत्व है। देश के लिए मैं नेशनल का संगठन सचिव हूँ, हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत अहम है। ये तो कहते हैं कि हम नारे लगाते थे, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये ट्रेडियन को हमारे नारे थे। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत लाभ में रहेगी। मंडी में हम पूरे कंस्टिट्यूएंसी में घूमे हैं, रानी प्रतिभा सिंह का जीतना बड़ा आसान है और काफी वोटों से जीतेगी, और उसके पीछे जो राजा वीरभद्र सिंह की देन है, लोग आज भी उनको मंडी नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली कोने में वीरभद्र सिंह को जानते हैं, नाम लेते हैं हमारे ऊना में, सारे प्रदेश के अंदर। और जब हम आए रास्तों में तो लोग कहते सड़कें कहाँ, ओ कितना खंबा, कितनी दूर लगा, ये कितना लगा, ये केवल से केवल राम वीरभद्र सिंह का विकास और कांग्रेस का विकास है। ये आपको समझना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मोदी का प्रश्न है, मोदी ने लोगों को इतनी दुर्दशा कर दी। आप साधारण आदमी पेट्रोल पंप से तेल डलवाओ तो कहेंगे तेल कितना, तेल तो डलवाते हैं, पर मोदी को बहुत नाप छाप कहते हैं। खेती ज्यादा महंगाई के अंदर इतना कचुम्बर प्राणी बात की, मुझे 60 साल से ऐसे महंगाई का कचुम्बर कभी नहीं निकला जैसे मोदी ने लोगों को खून जोड़ दिया। उसका कारण ये है पूंजीपति सरकार है, पूंजीपति को टाउट है, पूंजीपति को धार है। इनके 4 एजेंट देश के अंदर को कारपोरेट सेक्टर में चेंज कर रहे हैं। मैं इसके बात का गौरव महसूस करता हूँ कि नौजवान पत्रकार भी नई और पुरानी बातें समझकर देख लेंगे। आज देश के अंदर मैंने नौकरी की NFL के अंदर, मेरी सुनना बात, उस वक्त तो कोई ठेकेदारी नहीं थी, कोई आउटसोर्स नहीं था, कोई रोमांच नहीं था, कोई पार्ट टाइम वर्क, कोई फिक्स टाइम नहीं था, या तो पक्का या मसलोल, 2-2-4 दिन के बाद आदमी पक्का हो जाएगा, मैं उनमें हूँ बैठा हूँ, ये समझने की बात है। लेकिन दुष्ट लोगों ने, बेईमानों ने, मोदी के टोले ने लोगों को कई तरह के बांट दिया, ये फिक्स टाइम है, ये ठेकेदार का है, ये पानी वाला वर्कर है, ये नाचने वाला वर्कर है, ये मुर्दाबाद वाला वर्कर है, इनको कई भागों में वर्कर को बांट दिया। वर्कर की कैटेगरी थी एक। यहाँ तक पब्लिक सेक्टर की बात है, मैं नई प्राणी की बात की तो मुझे इस गल का मैं गौरव फील करता हूँ। सोचने वाली बात है, मेरे साथ ये पब्लिक सेक्टर के 2 आदमी है NFL के, जहाँ मैंने नौकरी की, आज वो NFL खड़ी है। और इस मोदी बेईमान प्रधानमंत्री ने एक एक जो लाभ वाले नवरत्न पब्लिक सेक्टर थे उनको बेचने के लिए इसने बिड़ा गर्क कर दिया देश के। वो जवाहरलाल नेहरू जो पब्लिक सेक्टर कहते थे आधुनिक भारत के आधुनिक मंदिर, ये पाखड़ा, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, सीमेंट, लोहा, जितने भी कारखाने, 243 कारखाने जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिक सेक्टर में लगाए। ये बिजली बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट बोर्ड है, ये पब्लिक सेक्टर के है, इनको बेचने के लिए किसी का सत्यानाश कर दिया। टूरिज्म डिपार्टमेंट को बेचने का, सड़कें बेचने का, हवाई जहाज, वो BSNL का डिपार्टमेंट को,
तबाह कर दिया। वो डिफेंस का जरा वो डिफेंस का कारखाने थे जहाँ हमारे युद्ध सामग्री बनती थी लड़ने के लिए पाकिस्तानियों को दुश्मनों के साथ, वो सब प्राइवेट कर दिया। 82,000 लोग नौकरी से बाहर कर दिए। आज कहाँ नौकरी, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और मैं 200 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं महंगाई डालूंगा, कहाँ वो प्रधानमंत्री। मैं वीडियो को कह देना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री ऊपर बहस हो तो पहले दे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, लालबहादुर शास्त्री जी, मनमोहन सिंह जी। कांग्रेस ने एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री देश को दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह सॉरी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी वर्गा निकम्मा प्रधानमंत्री देश को दिया। मोदी वर्गा बुश लोगों की बात ही सुना। यहाँ पर मंडी में वापस आना चाहेंगे, आपने कहा कि प्रतिभा सिंह जो है वो बड़े तगड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, पूरा जोर अपना हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एक सीट अगर यहाँ से निकलती है तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर एक सीट पर भी मंडी के लोग अपना जोर दिखा देंगे प्रतिभाकर, तो मोदी को धक्का जरूर लगेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी। अगर ये होगा उसकी नींद हराम करेंगे मोदी को, काम करेंगे लोग, करेंगे हम लोग। आज हर एक आदमी दुखी जैन से मोदी को नीचे लगाएंगे। कौन मजदूर, किसान, पब्लिक सेक्टर के मजदूर, आउटसाइडर के मजदूर, ठेकेदारों के मजदूर, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, जो जितने भी है अनऑर्गेनाइज लेबर। मैं आपको एक बात बताऊ, मीडिया से बात करता हूँ, जो हिमाचल बिंडे का कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन है, जो जिसके साइकिलें मिलती है, वाशिंग मशीन देते हैं, उस यूनियन का मैं इंतका प्रदेश का प्रेसिडेंट भी हूँ। जितने मैंने और मेरे अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने, वे बोर्ड का चेयरमैन था, मैं उसका डायरेक्टर था उस बोर्ड का, जितने हमने प्राप्तियां की इस बेईमान सरकार ने, इस जयराम सरकार ने, और सबसे निकम्मा जो जहां का लेबर मिनिस्टर है क्या उसका विक्रम ठाकर, NFL मैं भी वहां पर था, वो भी मेरे से जूनियर था, वो उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया, RSS का था, मैं कॉमरेड था, वो साढ़ा नई बात, वो बात बनी, सुनने वाली बात है, सुन लो मेरी बात, वो उसने इतना नुकसान किया लोगों का हद से ज्यादा। मैं कल फतेहपुर भी जा रहा हूँ, उनकी जो मिट्टी पटूंगा उनकी, क्या करते हैं वो, बेईमान लोग है वो सारे। और पूछो, कारगिल युद्ध को लेकर यहाँ पर जो है वो बड़ा बवाल चला हुआ है कि भाई प्रतिभा सिंह ने कारगिल हीरो को जो है कह दिया कि बड़ी लड़ाई नहीं थी और हमने अंदर ही घसीटा था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कारगिल की बात कर दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सूक्ष्म बुद्धि है जो फौजियों को कारगिल युग को बीच में घसीटती है। कांग्रेस ने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े, बाढ़ में, पेट में, हमने वो भी देखा, मैं सिविल डिफेंस कमेटी का मेंबर था पुराना, तो मैं, मेरा अपना दिमाग फौज में है, मेरा दोता अभी भी फौज में है। ये फौजियों के नाम पर निकम्मी पॉलिटिक्स करती है, ये कहते हम भारत माता के सपूत हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की, ये निकम्मे हैं, झूठे हैं, पागल हैं। अरे भारत माता के लिए आप भी है, हम भी है, सब लोग हैं, हम भारत माता के सपूत। भारत माता की प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए जो सरकारी उद्योग है, जो सरकारी नौकर है, ये सब भारत माता के सपूत है, जिनने भी सारे इनको हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी नंबर वन पर आ गई। कहां की देशभक्त है, ये देश की गद्दार पार्टी है, ये तो फौजियों की बात करती है, कारगिल की बात करती है। कारगिल के युद्ध के अंदर आपको भी पता होना चाहिए, वे घुसपैठ की थी पुलिस ने, और अटल बिहारी वाजपेयी चल गया था उधर बस लेकर, आप बर्बानी खाने चल गए थे, यही मोदी, ये लोगों को इतना बेवकूफ बना रहे हैं लोग, भाई बन भी रहे। और दुख की बात है, जब पढ़े लिखे लोग इन पागलों की चलते में आ जाते हैं तो देश का कल्याण कैसे होगा। देश का कल्याण तभी हो जो मोदी भक्त है ना। एक मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, मोदी भक्तों को भी महंगाई उनको भी है, बेरोजगारी उनको भी है, पेट्रोल उनको भी महंगा मिलता है। कल मुझे एक पन्ना प्रमुख मिला, पन्ना प्रमुख
पन्ना प्रमुख भारतीय ड्रामे करते हैं, नाम रख रखे हिंदी के नए नए। मैंने उसे प्रश्न किया, मैं कहा पन्ना प्रमुख जी आप तो कहते हैं भाजपा को वोट डालो, मुझे ये बताओ कि आपके मोहल्ले में आपके बूथ में पहले सरकारी आदमी कितने थे, वो कितने मोदी ने बाहर कर दिए, आप कितनों को नौकरी मिली, कितने को मोदी दे रहा है जॉब, कितने लोग खुशहाल है, कितने को सस्ता राशन है, कोई बात बताओ। कहना ये तो कुछ नहीं। अरे कामर जी हम भी आपके साथ हैं, करो, हम वैसे पन्ना मन्ना कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है, जितने भी पन्ना प्रमुख ये प्रमुख ये ड्रामे जितने मर्जी कहे मोदी ये और शाह वगैरह इको जोगी वगैरह निरा झूठ ये ड्रामे करते हैं, ये साधुओं का टोला, ये महंतों का टोला, ये बाबाओं का टोला, और चैनल पर जाओ ऐस सच्ची बात है, सोशल मीडिया रह गया लोगों तक जाने के लिए, दूसरा मीडिया तो बकाऊ बन गया, जरा बड़ा बड़ा मीडिया वो तो मोदी ने खरीद लिया, बाकी मोडा खरीद लिया बाबों ने, बाकी हमारी बात तो कहीं जा ही नहीं रही, मजदूरों की बात, अगर मजदूरों की बात जाती है तो एक आप लोग है सोशल मीडिया है जिनके सहारे हम चल रहे हैं, यही मेरा कहना। और प्रश्न करो, किन मुद्दों पर जो है वो आपको लगता है इस इलेक्शन को जीता जा सकता है, बाय इलेक्शंस को, ये जो यहाँ पर मंडी संसदीय क्षेत्र में इस समय पर हो रहा है, तीन विधानसभा क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता को हिट करेंगे, जिस आधार पर वो वोटिंग करें? कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ बेरोजगारी, कमर तोड़ भ्रष्टाचार। आज आगे से भ्रष्टाचार रजिस्टर्ड हो गया, भ्रष्टाचार पहले भी होता था, आप तो सील बंद पक्का कर दिया मोदी ने, मोदी ने सिस्टम ऐसा बना दिया, ये ऐसे हो गए वैसे हो गए, कोर्ट कचहरी में जाकर सभी को कर दिया। हम हर एक की बात करते हैं, हम मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, पुलिस वालों की बात करते हैं, जजेस की भी बात करते हैं, सब अंदर चुनके मेरी ही बात, मैं आपको बात बताऊं और मीडिया के सामने, ठाकर जयराम भी मुझे जानते हैं अच्छी तरह, ये इसके मंत्री जितने कांग्रेस के मंत्री, मैं वीरभद्र का खास आदमी हूँ, देखो मैं वीरभद्र का खास आदमी हूँ, मैं उनका घर का आदमी हूँ, मैं उनके लिए जितनी भी करवानी मुझे देनी पड़े मैं दूंगा। वो मुझे AITU से इंटेक में लाए थे वीरभद्र जी, तो ऐसी बातें। और प्रश्न करो, मैं मुझे मजा आएगा, बताओ बताओ जी। बिल्कुल, प्रश्न हम आपसे यहाँ पर पूछते चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, आर्थिक की बड़ी ठंडी पड़ी हुई है, MP इलेक्शन जब होते हैं तो खूब पैसा भी चाहिए होता है प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, पैसों की कोई कमी नहीं है और भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस से इलेक्शन ये जीत रही है? आपको ये बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, ये सच्चाइयों को झूठ की लड़ाई है। जब लोग सत्ता से बाहर कर देते हैं ना, सत्ता से बाहर, तो लोग आगे पीछे नहीं देखते। मैं आपको पिछली बात बता दूं, इंदिरा जी कितनी स्ट्रांग थी, इंदिरा जी उसको एक राजनांद ने हरा दिया था, दोबारा फिर सत्ते में आ गई। ये जितने मर्जी जो करने, इनका डेवलपमेंट कुछ नहीं है, पैसा जितने मर्जी, लोग पैसे खाकर मुकर जाते हैं, वो इससे लेते लोग और तौर तरह लोग पुराने जैसे भर नहीं रहे जनता, जैसे हमारे जैसे है ना भूखे नंगे लांडे वाले, अब लोगों में को फर्क आ गया थोड़ा, तो ये ऐसी बात नहीं। देखो मैं आपको बात बताऊं, समझो बात, एक आप बड़े अच्छे मीडिया चला रहे हैं, आप प्रियंका ने UP में तहलका मचा दिया, जो लोग निकलेंगे संघर्षों से निकलेंगे, संघर्ष करेंगे, तीव्र संघर्ष, तीखे संघर्ष वो करेंगे, सीखेंगे, हम भी लोगों को सिखाते हैं, फिर सीखो करो, हमारा काम ही यही है। हम तो जाने वाले हैं, हम तो आउटगोइंग पर्सन है, आज जाए कल जाए, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। जेल पे बेटे मैंने देखी पांच बार मैं जेल गया हूँ, दो बार मैं बैठूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई पकड़ ले कोई ले जाए, मैं तो डरता नहीं किसी भी, मेरा किसी भी वो बोरी रो सच्चाई जो है, मैं कभी कभी कांग्रेसियों को भी डांट देता हूँ, देखो बात है मेरी सच्चाई की जड़ी बात होती है, अंदर से निकलती है। जगतराम जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नियति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता क्यों विश्वास करे? मैं आपको बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस की अच्छी नीति है, सबसे बढ़िया नेता है कांग्रेस के अंदर, अगर ये नेता नहीं है
तो बीजेपी पास नहीं है। वीरभद्र सिंह नहीं रहे ना, एक छत्र राज जिसे कहते थे। नहीं देखो बात है ना, मैं कहता परमात्मा छत्र राज रहे। अरे नेहरू का राज, नेहरू को भी कहते थे खानदानी राज। अगर ये बीजेपी वालों को पूछो, नेहरू खानदान ने, गांधी कराने ने कितनी शहीदियां दी, दो दो उनके शहीद हो गए घर के प्राइम मिनिस्टर, ये समझ नहीं वाली बात है। बेअंत सिंह जी शहीद हुए, मुख्यमंत्री शहीद है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की उंगली नहीं टूटी, उंगली नहीं टूटी, चिरहट नहीं आई। कोई नेता बता दो किसी ने आजादी के संघर्ष में, मजदूरों के संघर्ष में, किसानों के संघर्ष में एक भी चोट खाई हो, इनके पास है ही नहीं। और इसी तरह वीरभद्र है, बेशक राजा था, लेकिन जो 30-35 जितने 40-50 साल रहा वो लीडर, जो उसकी देश को देन है, प्रदेश को देन है, वो उसकी इबारत हिमाचल के हर एक कोने पर लिखी गई है। पुल जाओ, सड़कें जाओ, कुछ भी जाओ, ये मैं फिर कहते बड़े बड़े खंबे लाइट, हम जाते हैं यार पहाड़ों में, दिन को पहाड़ को घर नजर जाते, हम रात को देखे यार इतने लाइट, ये कहाँ बिजली पहुंच गई, ये कैसे लोग फंस गए, ये सड़क कहाँ से चल गई, अक्सर जाते ही है ना, ये किसकी देन है, ये इन लोगों ने कर दिया। सिंचाई को जानो क्या है, इतने इतने डैम प्रोजेक्ट बने, लोगों को नौकरियां मिली, और फिर ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पांडा है ना, वो चराहे पर टूट चुका है। आज लोग बच्चे बच्चे लोग महंगाई से तंग है, लोग किसान किसान खेत से बीज तक तंग है। जो किसान खेत में बीज डालता है वो भी नकली और महंगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इस वक्त मक्की को कीड़ा लग गया। किसान आंदोलन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? किसके किसान आंदोलन? ओ ले बहुत बढ़िया आंदोलन है, उसको तो हम समर्थन करते। हाँ ये बड़ा प्रश्न फिर किया आपने, रिकॉर्ड रखो मेरी बात। हमारी देश की 12 ट्रेड यूनियन इकट्ठी होकर मोदी के खिलाफ संघर्ष कर रही है। जो हमारे 44 लेबर ला थे उनको 4 में लेबर कोड बना दिया, 4 लेबर कोड उसको समझेंगे जो 44 लेबर कानूनों को जानता है, ये समझ, जिसको पहले कानून का पता है वो समझेगा भाई क्या है, भाई मंडी का रास्ता किधर है, डेहर का रास्ता किधर है, बात समझेंगे नहीं। जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ सिर्फ ये जिद है। मैं फिर याद आ गई, मैं वो आपकी बात चेता भाई, वो क्या करता बात कराने राजा साहब की, जब राजा साहब बीमार थे ना महीने दो महीने पहले, डेथ से 2-3 पहले, मैं उसकी खबर ही गया, वो कहाँ कौन सी जगह थी, कुठार में गया, तो मैंने उनसे बात की, मैं किसान का, राजा साहब ने एक बात कही आज भी याद है, कहता अगर मैं होता तो किसानों के 1 घंटे में मांगे मांग पर, 1 घंटे में मांगे मांग कर उनको खुश कर 78 में घर भेजता। ये राजा साहब की छोटी मेरे साथ बात की, दो ये और ये दो मेरे साथ थे, हम खबरी गए थे। ये तो किसान आंदोलन जो है ना, ये तो खत्म नहीं होगा, ये मोदी को खत्म कर देगा, भाजपा को खत्म कर देगा, ये मेरा लिख लेना पक्की बात। जगत राम जी, अब आप कंक्लूड इसे करना चाहेंगे, आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता और जो 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनको क्या संदेश आप देना? मेरा हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि जहाँ भी मजदूर है, गरीब है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी त्रस्त है, जो मोदी की नीति त्रस्त है, मोदी के लिए झूठ बोल बोल कर लोगों की अपनी जबान गंदी कर ली और कान लोगों के बोले के सुने, वो सब एकदम होकर कांग्रेस पार्टी को जिताए। आखिरकार लेटर एंड सुनर अगेत अपशेत कांग्रेस पर ही आकर लोगों की बात देखेगी, जहां से बात बिगड़ी वहां से काम बनेगा। अगर मेरा रुपया जहां गिर गया तो मुझे यही ढूंढना पड़ेगा। अगर देखो कांग्रेस का कुछ नहीं गया, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, बाबूजी सत्ते में आएगी कांग्रेस, लेकिन जो लोगों का बिगाड़ दिया मोदी ने, इधर बेड़ा गर्क कर दिया, जो बिगाड़ दिया उसको सुधारने के लिए लोगों को संघर्ष करने पड़ेंगे, यही तो मेरा आपसे निवेदन है। जगत राम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वैल्यूएबल अपने जो है वो विचार हमारे साथ साझा किए। लाइफ टाइम्स टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको शाबाश दूंगा जब के ऐसे ऐसे लोगों की बातें जाए, लोग अक्सर यही वहाँ पर तो लोगों को नजर टिकी है, दुआ मोड़ो दुआ तो जानते नहीं, हमारी बात भी जाए बूढ़ों की, हम अंदर थोड़ा लेकर चले जाएंगे शमशान घाट को, हमारी निकालो बाहर, हमारे अंदर क्या है।
लगा लो पूरी बातें क्वासी ने, यही आपका, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी बात मंडी में बड़े ध्यान से सुनी, मैं आपका धन्यवाद, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा इसकी वीडियो मुझे दे देना, ये मेरी वीडियो दिल्ली जाती है हेड ऑफ, फिर हेड ऑफ जितने भी हिंदी स्पीकिंग एरिया होते हैं उधर मेरी वो दफ्तर वाले भेजते हैं, ये मेरा मैं अभी जो आया ना, जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी जी ने कल कहा था कि आप जाओ मंडी में, मैं कहा चलो जी मेरी बात बन गई, थके हारे कितने चले जाते हैं ना, तो आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव टाइम्स टीवी पर अभी हमारे साथ जगत राम शर्मा जी मौजूद थे, जिनसे हमने बात की, चीफ स्पोक्स पर्सन हिमाचल प्रदेश इंटक। अभी लेना चाहेंगे आपसे इजाजत, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेस्ट बोरिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर, इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी ने और हमारी साथी संवाददाता कोमल भारद्वाज ने। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।